नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। शब्दों के मुख्य दो भेद है, यह इससे पहले हमने देखा है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सर्वनाम वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक परिचय दिया है, यहाँ पर देखिए, मेरा नाम रवि है, रवि सुबह 5 बजे उठता है। रवि के मित्र का नाम विजय है, रवि और विजय साथ घूमने जाते हैं। वाक्य में हम बार बार संज्ञा का उपयोग करते हैं क्या? तो नहीं। और इसीलिए दूसरा परिच्छेद देखो, मेरा नाम रवि है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मेरे मित्र का नाम विजय है, हम साथ घूमने जाते हैं। इस परिच्छेद में रवि इस संज्ञा के बदले मैं का प्रयोग हुआ है, रवि इस संज्ञा के बदले मेरे इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, रवि और विजय इस संज्ञा के बदले हम इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस परिच्छेद में मैं, मेरे, हम, यह सर्वनाम है। किसी परिच्छेद में बार बार संज्ञा का उपयोग हुआ तो वह वाक्य, वह परिच्छेद बोरिंग हो जाएगा और यह पुनरावृत्ति दूर करने के लिए हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, उसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह सर्वनाम के भेद और उपभेद हम यहाँ पर देखेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष किसे कहते हैं? बात करने या लिखने वाले व्यक्ति को पुरुष कहा जाता है। बात करने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के दृष्टि से विश्व में सभी व्यक्ति के या वस्तु के 3 वर्ग है। वह 3 वर्ग कौन से हैं? पहला, वक्ता। हम खुद के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं, वह वक्ता है। दूसरा है श्रोता। हम दूसरे के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं, उसे श्रोता कहते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष। कभी कभी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं, वह है अन्य पुरुष। इस जानकारी से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा करते आएंगे। वह क्या है? वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। उसमें से पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति वक्ता अपने नाम के बदले करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर वक्ता अपने बदले कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग करता है, तो मैं और हम। वाक्य देखिए, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हम तुम्हें जानते हैं। इस वाक्य में मैं और हम यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने नाम के बदले मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है, इसीलिए मैं और हम यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी के साथ इनकी विभक्ति प्रत्यय जुड़ी हुई रूप यह भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं से, मुझे, मेरे, मुझको, मुझसे, हमसे, हमें, हमारे, हमको, हमसे। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता के नाम के बदले वक्ता करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वाक्य देखिए, तू कहाँ जा रहा है, तुम घर जा सकते हो, आप मुझे कल मिले थे। इन वाक्यों में तू, तुम, आप यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता श्रोता के नाम के बदले तू, तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग करता है, इसीलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी के साथ इन शब्दों को विभक्ति प्रत्यय जोड़े हुए रूप भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी कभी हम आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं। उस व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर ऐसे कौन से सर्वनाम है, तो यह, ये, वह, वे। वाक्य देखिए, यह घर किसका है, ये पेड़ अमृत का है, वह आज्ञाकारी सेवक है, वे मेरा मित्र है। वक्ता श्रोता के व्यतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह, ये, वह, वे सर्वनाम का प्रयोग करता है, इसीलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। वाक्य देखिए, वह सेवक है, वे आज्ञाकारी विद्यार्थी है, यह पुस्तक है, ये हमें ज्ञान देती है। इन वाक्यों में वह, वे, यह सर्वनाम किसी पास या दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आए हैं, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद है। उसमें से पहला भेद निकटवर्ती
निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या पास के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आते हैं, उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये वाक्य देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरा मित्र है। इन वाक्यों में यह, ये, यह सर्वनाम किसी पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आए हैं, इसीलिए यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आते हैं, उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे वाक्य देखिए, वह मेरा गांव है, वे अच्छे शिकारी है। इन वाक्यों में वह, वे, ये सर्वनाम किसी दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आए हैं, इसीलिए यह दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। वाक्य देखिए, कोई तुम्हें बुला रहा है, किसी ने तो मुझे मारा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ इन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें नहीं होता, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध। अपनेपन का बोध करने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने के लिए आते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। वाक्य देखिए, मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा, वह स्वयं यहां आया था, यह कार्य अपने आप कर लूंगा। इन वाक्यों में खुद, स्वयं, अपने आप यह सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करते हैं, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन सर्वनामों से परस्पर संबंध का पता चलता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहां वहां, जिसने उसने, जैसी वैसी। वाक्य, जहां पेड़ है वहां मेरा घर है, जिसने तुम्हारी मदद की उसने तुम्हें बुलाया, जैसी करनी वैसी भरनी। इन वाक्यों में आए हुए सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहा आदि। वाक्य, तुम्हें क्या चाहिए, पहले कौन जाएगा, मुझे किसने बुलाया, तुम्हारा घर कहाँ है। इन वाक्यों में क्या, कौन, किसने, कहा इन सर्वनामों से
किसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम और सर्वनामों के भेदों की संक्षेप में पुनरावृत्ति करेंगे। चार्ट दिया गया है, इसमें सर्वनाम के भेद, परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, ऐसे कौन से सर्वनाम हैं, मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता श्रोता के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह है तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह है यह, ये, वह, वे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी पास या दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले जो सर्वनाम आते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले जिन सर्वनामों का उपयोग होता है वह है यह, ये। दूसरा भेद दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह है वे, वह। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है इसमें, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, वहां, किन्हीं को, किन्हीं से। सर्वनाम का चौथा भेद निजवाचक सर्वनाम, इसमें हमें अपनेपन का बोध होता है, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, अपने आप। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें दो पदों के बीच संबंध होता है, जैसे जो, वह, जिसने, उसने, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो। सर्वनाम का छठवां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्न किया जाता है, कौन, क्या, किसने, कहां, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, इन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है और इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।